अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे सुनना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि दिमाग में गंदे ख्यालात क्यों आते हैं। आज इसी टॉपिक पर हमारी वीडियो है, हम आपको बताएंगे कि दिमाग में गंदे ख्यालात क्यों आते हैं। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मर्तबा एक शख्स हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी नींद में मुझे गंदे ख्यालात आते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद में गंदे ख्यालात ना आए। बस इतना सुनना था तो मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, याद रखना, इंसान का जिस्म इंसान के हवास में कैद है। जो भी इंसान सुनता है, देखता है, महसूस करता है, तो वो चीजें दिमाग से कभी खत्म नहीं होती हैं, बल्कि इंसान के दिमाग में उस चीज की सोच रह जाती है, उसी सोच से ख्यालात फिर जन्म ले लेते हैं। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि गंदे ख्याल आने की सबसे बड़ी वजह बुरी सोहबत है। याद रखना, जब इंसान बुरे दोस्तों के साथ बैठता है, गुनाह की बातें सुनता है, वो बातें खत्म होने के बाद भी उसके दिमाग से जाती नहीं है, और कभी ना कभी शैतान उन दिमाग में मौजूद गंदे ख्यालात को इंसान के दिमाग में फिराता रहता है। ऐ शख्स, अगर तुम गंदे ख्यालात से बचना चाहते हो तो गंदी सोहबत से बचो, बुरे दोस्तों से बचो। जब तुम्हारे दोस्त ऐसे होंगे जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल को याद दिलाएंगे, तुम्हारे सामने नेक अमाल और रोजे महशर का जिक्र करते रहेंगे, तो यूं तुम अच्छाई सुनोगे, अच्छाई देखोगे, और फिर शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे दिमाग में बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। अल्लाहु अकबर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाइए। इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेशन में हम अपनी राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।